अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम। आज आपके लिए वीडियो लेके आए क्रिस्टल मास्क की। इसे द क्रिस्टल मास्क या क्रिस्टल मस्जिद कहा जाता है। ये वान मैन आइलैंड है मलेशिया का। मलेशिया जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि मस्जिदों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, मस्जिदों पे ख़ास तवज्जो दी जाती है। ये वान मैन आइलैंड है त्रिगानो रियासत में, उधर वाकया है, बिल्कुल समुंदर के किनारे पे। तो ये किनारे पे होने की वजह से इसकी दिलकशी में मज़ीद इजाफा होता है। स्ट्रक्चर इसका स्टील, ग्लास और क्रिस्टल का, और ऐसी बनावट है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। 9 इसमें लार्ज गुंबद हैं बड़े साइज़ के, और 51 छोटे साइज़ के सजावट के लिए गुंबद हैं, और 4 बड़े मीनार हैं। और बहुत प्यारी मास्क है, चाहे आप जिस व्यू से भी इसे देखें। कंस्ट्रक्शन इसकी जो है और इंटीरियर बहुत उम्दा और शानदार है। देखने वाला एक बार मशहूर हो जाता है इसकी खूबसूरती में, और रात के वक़्त तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। 1500 कैपेसिटी है इसकी, 1500 नमाजी एक टाइम में नमाज पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और आप अगर विज़िट करें इधर का तो आपको पता चलेगा कि मैंने पहले भी एक मस्जिद है फ्लोटिंग मास्क, उसकी भी वीडियो चढ़ाई थी, वो भी बहुत प्यारी मस्जिद है। वो सरीबो सलावात है मस्जिद, और ये मस्जिद जो है उसी के पैटर्न पे बनाई गई है जो है समुंदर के किनारे। तो इसकी 80 लाख डॉलर इसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट है। बहुत प्यारी मास्क है ये वान मैन की। और मलेशिया आपको जैसे पहले भी बताया मसाजिद के बारे में बहुत मशहूर है, तो ये मसाजिद पे ख़ास तवज्जो देते हैं इसकी खूबसूरती पे। कई मसाजिद हैं यहाँ पे, जो एक आध मस्जिद तो ऐसी है जो दुनिया की 10 बड़ी मस्जिदों में शामिल है, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो वो है सुल्तान सलाहुद्दीन मास्क, वो भी बहुत अच्छी, सलाहुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ मास्क, वो बहुत प्यारी मस्जिद है नीले गुंबद वाली। और ये मस्जिद है, इसको दूर से आपको पता ही नहीं चल सकता कि किस मटेरियल से बनी हुई है, ऐसे ही लगता है जैसे कोई डेकोरेशन पीस है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे आपको और अच्छी वीडियो देखने का मौका मिलेगा।